खबर कोलारस से आ रही है, जहां पर कोलारस विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो लोगों से कह रहे हैं कि कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, प्रत्येक गांव में 25-25 लोग गाड़ियों में भरकर जाओ और मतदाताओं से संपर्क करो, उनके यहां तब तक बैठे रहो तब तक वो वोट देने को राजी ना हो जाए। कोलारस विधायक के इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना की जा रही है। इसमें राजीव यादव ने लिखा है कि पंचायत चुनाव दलगत नहीं होते, ये संविधान में पड़ा था और पढ़ाया भी था। फिर कोलारस विधायक क्या संविधान से बड़े हैं जो चुनाव में गुंडे भेजकर अशांति फैलाना चाहते हैं? कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने की क्या छूट इनको मिली है? विधायक साहब तोप टैंक और भेज दो। वहीं जसवीर यादव ने लिखा कि कोलारस विधानसभा वासियों देखो, कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी कैसे चुनाव में टीमें भेज रहा है, गुंडागर्दी करवा रहा है, बोल रहा है कि बाहर के लोग गांव में तब तक डाले रखो जब तक लोग वोट देने को राजी ना हो, बाकी सब मैं देख लूंगा। पांच पांच गाड़ी, पांच गांव में, छह गांव में, 30 गाड़ी एक दिन भर के दिन भर डरे रहो, और दिन भर पटाओ छुटाओ पर्चे करो जबरन बैठे रहो, सब आदमी कहने लगे कि भैया जाओ हम तो नहीं जाएंगे, तब आओ। ऐसे पांच टुकड़ों में पांच गांव में ये तरीका अपनाओ, ये नकली सोचे कछु नहीं होगा कि 90% सब शुक्री के लोने लगा दे पूरे शुक्री अपनी पंचायत के आटा सरमल यार अपनी पंचायत के काज नहीं था, मैं ये देख ये काज नहीं था पंचायत का, आज कुछ नहीं होता था जीवा रोज बस कुछ पूरी बात है। अभी 10-15 पंचायतें तक के जो की निपटा दी है, मैच बारे से बारह से तो राज्य लेके सुपना साफ कर दिया, कोई कल्पना करता वो जेन जीत जाएगा मधुर याद हो गई, बहन का भाई भी हार गया, तो वो लाला परिवार है वो भी हार गया, और वो अजीत जैन का भाई मेडिकल वाला पंकज जैन जीत गया। अंदर घुस के जो मार होती है संगारी में 300 वोट से निपटा है वो बावन था, तो अंदर अंदर घुस के करो करो जरूर, और जो है कल संपर्क करो जरूर, लेकिन 25-25 आदमी चाहिए भी जो है।